नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएसटी क्लास में स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में बिहार सिविल कोर्ट एग्जाम के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। विभाग की तरफ से क्या अपडेट निकल के आई है, आखिर बिहार सिविल कोर्ट का एग्जाम कब होगा। जो 29 मई को मीटिंग था विभाग का, जो 8 सदस्य जो कमेटी का मीटिंग था, उसमें क्या निकल के आया है, आखिर एग्जाम कब होगा, कब से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, कितने सेंटर पर एग्जाम होगा। आप लोग के द्वारा बार बार एक ही सवाल किया जाता है, सर बिहार सिविल कोर्ट का एग्जाम कब होगा, कब से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, प्लीज़ सर अपडेट कीजिए। तो दोस्तों सारे मुद्दा पर जो 29 मई के मीटिंग से निकल के आया है और अभी तक क्या अपडेट निकल के आया है, सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में बताने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो बने रहिए, चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और वन बाय वन करके सारी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों आपको भी पता है, 2 दिन से हम परेशान थे, परेशान इसलिए थे क्योंकि बिहार सचिवालय का आपको भी पता है पीटी का रिजल्ट जारी नहीं हो पा रहा था, जारी विभाग नहीं कर रहा था, उसके लेके परेशान थे। इस बीच में क्या बार पटना भी गए थे, मंडे को भी पटना गए थे, आपको भी पता है। तो विभाग सिर्फ एक ही बात बताया, जो स्टूडेंट को बोलिए ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करने के लिए कभी भी रिजल्ट जारी हो सकती है। वही हुआ दोस्तों, देख लीजिए देर रात 12 बजे के आसपास रात ही रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जो कि अभी तक वेबसाइट पर भी अपडेट नहीं किया गया, जो कि रात ही रिजल्ट जारी कर दिया गया। अभी हम वीडियो बनाकर अपडेट कर दिए हैं, सभी स्टूडेंट बोल दिए पीएसटी क्लास के टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और कमेंट करके बताइएगा जो आपका रिजल्ट हुआ या नहीं हुआ। चलिए हुआ तो हो गया, इसीलिए 2 दिन से वीडियो नहीं बना रहे थे बिहार सिविल कोर्ट पर। अब बात कर लेते हैं बिहार सिविल कोर्ट। तो दोस्तों कोई भी कहेगा जो मीटिंग नहीं हुआ 29 मई को, पर डे आप मीटिंग ही करवाते हैं। तो दोस्तों जिस समय जो अपडेट निकल के आता है वही हम आपको अपडेट आपके बीच रखते हैं। बोले थे जो बिहार सचिवालय के रिजल्ट 30 मई तक जारी हो गया, हो जाएगा और जारी हो गया। आपको भी पता है विभाग से जो अपडेट निकल के आया वही स्टूडेंट भी शेयर किए, विभाग एक ही लाइन में बताया जो स्टूडेंट को कहिए ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करने के लिए, रिजल्ट कभी भी जारी हो सकती। तो वही हुआ, रिजल्ट जारी हो चुकी है। चलिए तो दोस्तों सारे मुद्दा पर बातचीत हुई है। बिहार जो है पटना हाईकोर्ट का पीटी का एग्जाम हो चुका है, उसका रिजल्ट 3 जून को डिक्लेयर किया जा रहा है, उसके बाद 30 जून को उसका मेंस का एग्जाम है। ध्यान सुनिए, क्योंकि बिहार सिविल कोर्ट से ऊपर है हाईकोर्ट, आपको ही पता है, तो इसीलिए उसका जो है ना सर्वोपरि प्राथमिकता दिया जाता है, उसका कोई भी डेट फेल नहीं होता है। इसीलिए 3 जून का इसका रिजल्ट आएगा पीटी के, 30 जून को उसका मेंस का एग्जाम होगा जो अभी हम बताते हैं। उसके बाद तो उसके एग्जाम को देखते हुए बिहार सिविल कोर्ट देख रहा है, उसके एग्जाम को देखते हुए उसके बाद ही बिहार सिविल कोर्ट अपना काम कर रहा है। उसके बाद बिहार सिविल कोर्ट सोच रहा है एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को देने के लिए जो एग्जाम लेगा, और जो हवा बनाया है जो 18 लाख 20 लाख फॉर्म भराया गया उतना फॉर्म भराया नहीं गया है, जो अपडेट अभी निकल के आया है, जो हमें भी नहीं पता था तो हम भी बोलते थे आपको 18 लाख, जो कि 18 लाख फॉर्म नहीं भराया गया है, आपको भी पता है, बता देते हैं मुश्किल से 10 से 12 लाख फॉर्म भराया गया है। कोई कह रहा है 18 लाख फॉर्म भराया गया, गलत बता रहा है। उसके बाद जो विभाग सोच रहा है जो NTA को देने के लिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को देने के लिए, ताकि एग्जाम ऑफलाइन होगा। उसके बाद आगे बात करते हैं, जो भी हम वीडियो बनाए हैं ऑथेंटिक वीडियो बनाए हैं, सिविल पटना हाईकोर्ट का पहले हो जाएगा मेंस, उसके बाद ही इसका एग्जाम होने का चांस है। उसके बाद आगे बताते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर जारी किया गया था उस पर हम वीडियो बनाए थे, आप लोग बोले फेक है, तो दूसरे आप लोग वीडियो देख लेते हैं, दूसरे की वीडियो देखते हैं, वो कुछ ना कुछ आपको बताते रहता है, इसलिए आप बोले फेक है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो ऑर्डर पास किया गया, और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक राज्य और एक केंद्रशासित प्रदेश के लिए वो ऑर्डर जारी नहीं करता, पूरे बिहार में 28 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश, सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के लिए उसका जो भी ऑर्डर है वह आता है। कोई भी आप वैकेंसी देख लीजिए, 6 महीना में ही क्लियर हो जाता है। बगल में झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, ये सब का वैकेंसी देखिए 6 महीना के अंदर। अभी इलाहाबाद वाला देखिए हाईकोर्ट का, 6 महीना से पिटीशन डाले, 6 महीना होते होते उसका जो है सारा चीज़ हो गया। तो हम पिटीशन के बारे में सोचते हैं, तो आप लोग क्या कहिएगा,
एक स्टूडेंट कल बोले अगर आपके अंदर दम है तो आप जाके पेटिशन डालिए। तो दोस्तों आप लोग क्या कमेंट करते हैं वो हमें प्रभाव नहीं पड़ता है, जो कमेंट करना आप कर सकते हैं, बशर्ते आप लोग को जो लगता है, जो हमें सटीक और सही न्यूज होता है वही हम आप लोग को प्रोवाइड करते हैं, हमेशा ऑथेंटिक ही वीडियो प्रोवाइड करते हैं। आपको ही पता है बस आपको क्या बोले थे, 10 से 12 मेल करना है, कोर्ट का है तो कोर्ट की तरह आपको सोचना है, ट्विटर कैंपेन नहीं करना है, ट्विटर कैंपेन से कुछ होने वाला भी नहीं है। आप लोग नहीं माने उल्टा पुल्टा कमेंट किए कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मेरा काम है आप लोग को अपडेट देते रहना, स्टूडेंट सपोर्ट करना और सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ पहले बात करते हैं जो कब इसका एडमिट कार्ड आएगा, एग्जाम कब होगा। तो दोस्तों एक स्पष्ट रूप से हमें जानकारी मिली है जो स्टूडेंट को कहिए ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करने के लिए, हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट को ही विजिट करने के लिए और तैयारी में लगे रहने के लिए, क्योंकि कभी भी अब एग्जाम डेट आपको जारी हो सकती है, एक पीडीएफ के माध्यम से, एक नोटिस के माध्यम से कभी भी विभाग आपको बता देगा जो इस हम पोस्ट के लिए एग्जाम लेंगे। दोस्तों देख लीजिए कितना पसीना है निकल रहा है, क्यों, क्योंकि आपको ही पता है सही और ऑथेंटिक ही वीडियो प्रोवाइड करते हैं। अभी जस्ट बिहार सीजीएल का भी बोले हैं, बिहार सीजीएल का भी जो है बिहार सचिवालय वाला भी जस्ट हम वीडियो बनाए हैं, उसके बाद आप लोग को वीडियो बना के अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों ऑथेंटिक ही वीडियो प्रोवाइड करते हैं, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट को हमेशा विजिट करते रहना है। कभी भी विभाग के तरफ से एक लेटर जारी किया जाएगा जो उसमें पूरा इंक्लूड रहेगा किस पोस्ट के लिए एग्जाम कब होगा, कभी भी जारी हो सकती है, इसलिए आप लोग को परेशान नहीं होना। जैसे बताया था सचिवालय बिहार सचिवालय जो कभी भी रिजल्ट जारी हो सकती है, उसी तरीका से बताया गया जो कभी भी आपको लेटर जारी हो सकती है 1 से 2 दिन के अंदर, इसलिए स्टूडेंट कहिए तैयारी करने के लिए जो लेटर 1 से 2 दिन में जारी हो जाएगा, जिसमें आपको इंक्लूड रहेगा जो किस पोस्ट का एग्जाम कब होगा, और यह लेटर पटना हाईकोर्ट एग्जाम को देखते हुए लेटर जारी किया जाएगा। और देख लीजिए अगर एनटीए को दे देता है तो जल्दी ही आपको ख़त्म हो जाएगा एग्जाम, हर चीज़ हो जाएगा, और एनटीए को नहीं देता है तो हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए। तो दोस्तों सारे मुद्दा पर इस वीडियो में बातचीत हम कर लिए हैं, आई होप कि समझ गए होंगे क्या बताना चाह रहे हैं। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपके मन में और भी कोई सवाल है जो भी कॉमेंट करना है बेहिचक कॉमेंट कर सकते हैं, जो हमें ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त हुई वही हम आपके बीच शेयर किए हैं। थैंक यू।